हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज स्नेहा। सो आज का जो वीडियो मैं उसमें स्पेशली जो मैंने आई प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एंड जो मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी वो ही आज मैं दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज आर लाइक काइंड ऑफ अ होली ग्रेल फॉर मी। सो फर्स्ट विद दिस काजल विच एक्चुअली आई गॉट 2 months बैक एंड आई थिंक आई विल स्टॉप यूजिंग एनी अदर काजल फ्रॉम because this is the gem, this is such an underdog product. So this is the Faces Magnetized Kajal. It's so good, it's so amazing. It stays long, मतलब even अगर आपका watery eyes है, lower line especially मेरे को problem होता है वो, it does stay for a really longer period of time. See? And it's so smooth and long lasting. Then after that I have the iconic one जो मैंने पहले भी use करा है and I like it. I really like it क्योंकि इसके पहले ये faces के पहले मैं यही वाला use करती थी and it is also smooth like my iconic kajal. It's also smooth and really good. But to be honest I prefer that because that's long staying. So I do have a different shade in this Lakme Kajal. I think it's turquoise. So let me show you the color. It's this really pretty teal green color which I really like, but it's not that bright. Matlab mere skin tone ke hisab se it's looks really pretty, but it's not that bright. It does not have that oomph factor जो कि बोलते हैं ना, मतलब मेरे को मेरा फेवरेट वो टील काजल या टर्कवाइज काजल था। मेबलिन कोलोसल का जो टर्कवाइज आता था वो अभी बंद हो गया है, बट फिर भी उसका जो पिगमेंटेशन एंड उसका जो कलर था इट रियली लाइक मेड माई आईज पॉप। सो दिस वन सर्टेनली डोंट डू दैट, बट स्टिल इट्स अ रियली प्रिटी कलर एंड ऑफकोर्स फेयर मीडियम इवन डस्की ब्यूटीज में भी सूट करेगा बिकॉज दिस काजल दिस कलर इज एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक कॉम्प्लीमेंट्स टू आर इंडियन स्किन। आई थिंक डस्की स्किन पे ये शेड, ओ माय गॉड। एक काजल है जो मैंने रिसेंटली परचेज किया, शुगर का ट्विस्ट एंड शाउट फेड प्रूफ काजल एंड आई गॉट द शेड 02 स्टिल गॉट द ब्लूज। ओ एम जी, दिस काजल इज सो पिगमेंटेड, सो स्मूथ, सो लॉन्ग स्टेइंग एंड द कलर, दिस इज सच अ परफेक्ट नेवी ब्लू कलर विच आई रियली लाइक। मतलब डैंग, देखो इसमें कोई स्पार्कल नहीं है, आई फील इसमें कोई स्पार्कल नहीं है, जस्ट एक हल्का सा सैटिन फिनिश देता है एंड आई थिंक इट्स अ जेल काजल क्योंकि इतना स्टे करता है ना ये, मैंने इट फील्स लाइक इट्स अ जेल फॉर्मूला, इट्स सो गुड एंड इट्स मच प्रूफ एज वेल। तो मैं आई टोटली रिकमेंड यू। इसका मैंने ब्लैक भी यूज़ किया था बहुत साल पहले, बट आई थिंक दैट फॉर्म आई मतलब लाइक 6 years बैक, बट दैट फार्मूला वॉज काइंड ऑफ लिटिल ट्रिकी, बट दिस वन राइट नाउ हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट ब्लू काजल, वन ऑफ द बेस्ट काजल फार्मूला है वी यूज, वेरी गुड। तो काजल हो गए, मैं अभी आपको दो मेरे पास जो जेल लाइनर्स हैं मैं वो आपको शो करूँगी। सो ऑब्वियसली एक है मेबलिन का ओजी लाइनर ब्लैक विच इज़ ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज इट, दिस इज़ रियली गुड। एंड उसके बाद मैंने और एक डिस्कवर किया था वो भी शुगर से ही, तो ये शुगर का जो है बॉर्न टू विन जेल लाइनर, ये है 03 ब्राउन शुगर, इसका जो शेड है आपको शेड शायद से दिख ही रहा होगा, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी न्यूटेला चॉकलेटी वाला ब्राउन, मतलब पिगमेंटेशन 1+ मतलब A+ सॉरी एंड लॉन्ग स्टेइंग भी है। इसका पॉड भी बहुत क्यूट सा आता है, एक छोटा सा ब्रश देता है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट आई हर्ड दैट दिस ब्रश इज़ रियली गुड। सेम विद द मेबलिन वन, इट ऑल्सो कम्स विद द ब्रश जो मैंने, बट दोनों का ही ब्रश फ्लैट शेप का है ऐसा दिखता है कुछ। And I have only one liner to show, liquid liner to show you. So this is the recent find, again recent find 3-4 months. This is the Lakme Iconic ka jo liquid liner aata hai wo maine kharida tha. Shiny kind of application deta hai and long staying hai, lekin iska formula jo hai na pani agar zyada lagta hai to it's just peel off like that. So and iska aur ek good factor if I say, maine
अबाउट द फॉर्मूला आई कैन से एनीथिंग क्योंकि लॉन्ग स्टे करता है बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब इफ आई अप्लाई हियर एंड इफ आई स्मज और इफ आई स्वेट अ लॉट देन पील होके वो कहाँ चला जाता है. तो इसका जो फाइन टिप ब्रश है ओ माई गुडनेस सी दिस इज़ अ रियली गुड ब्रश. मतलब एकदम इनर कॉर्नर में विंग्स बनाने के लिए भी ये परफेक्ट है. सो इट्स अ रियली गुड बाय अगेन लैक्मे आइकॉनिक. प्राइस के हिसाब से भी बहुत अफोर्डेबल है इफ़ आई कंपेयर विद द क्लॉस आर्टिस्ट लाइनर. आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स स्टिल अवेलेबल और नॉट बट इसका और एक काउंटर पार्ट है जो लैक्मे बहुत फेमस है. उसका जो नॉर्मल पॉट मतलब ग्लास का बॉटल में जो लाइनर आता था आई थिंक हाई शाइन लाइनर नॉट हाई शाइन बट इट्स जस्ट अ नॉर्मल बेसिक लाइनर. मैं जब छोटी सी मतलब एकदम स्कूल में 7 या 6 स्टैंडर्ड में थी तब से वो लाइनर फेमस है मेरे हिसाब से. एंड आई रियली लाइक दैट लाइनर बट इट्स नॉट वाटर प्रूफ बट द ब्रश इज़ सो गुड एंड द कलर इज़ पिच ब्लैक. सो उसके बाद और एक था शाइन लाइनर विच इज़ लाइक अगेन सेम ब्रश काइंड ऑफ एप्लीकेटर एकदम फाइन टिप एंड दैट्स फॉर्मूला इज ऑल्सो रियली रियली गुड. बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ द न्यू वन एंड आई थिंक पीपल ऑल्सो डोंट टॉक अ लॉट अबाउट दिस वन. इट्स अ गुड वन नॉट द बेस्ट वन बट इट्स अ गुड लाइनर. सो आई परचेज्ड गुड felt tip liners and not the felt means the sketch liners. I prefer brush tip applicator. So I have two. So this is the NYX Epic Ink Liner and this was the recent addition and this is the L'Oreal Flash Cat Liner. Both iske dono ke dono applicator dekho aap fine hai and brush tip hai. Brush tip makes everything so easy, so smooth. I can't even say, beginners ke liye to it's just a blessing. So if you are comfortable with sketch liners then I think you should give it a try. The next Epic Ink liner main isko dikha rahi hu but iska bhi matlab maine isko itna use kiya hai iska condition ekdam kharab ho chuka hai abhi ye ekdam अंतिम हालत में गया है. बट सीरियसली इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. दीज बोथ आर लिटिल बिट ऑफ प्राइसी अबव 500 बट टू बी ऑनेस्ट इट्स अ रियली गुड परचेस. आपको आराम से 1-1.5 साल तक तो ये चलेगा ही चलेगा. बट एनी वे आई कैन से दैट दीज बोथ आर काइंड ऑफ अ डूप काइंड ऑफ सिमिलर टू द कैट वॉन डी और KVD Beauty टैटू लाइनर्स विच आर मतलब विच वेयर used to be my holy grail because those are so smooth, so good. But I think these are better than them because these are more pigmented. So yeah, that's that. अभी इसके बाद मेरे पास एक brow product है जो मैं वो भी मेरे पास recent है. तो ये है स्विस ब्यूटी का जिसके बारे में सब बोलते हैं. सो दिस इज़ द स्विस ब्यूटी आईब्राउ पेंसिल एंड आई गॉट इन द शेड 102 डार्क ब्राउन. मतलब आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग बैक टू एनी काइंड ऑफ स्टफ. मतलब इफ़ यू हैव लिटरली ग्रूम्ड ब्राउज आई जस्ट रिसेंटली ग्रूम्ड माई ब्राउज सो यू जस्ट नीड अ पेंसिल एंड दैट्स इट. दिस इज चीप एज हेल. लाइक आई थिंक 40 या 60 रुपीज का आता है ये एंड इसका पिगमेंटेशन भी एकदम परफेक्ट है. इसका शेड भी एकदम परफेक्ट है. इसका जो फॉर्मूला है वो भी एकदम परफेक्ट है. इसका छोटू सा ये ऐसा टिप आता है मतलब मेरे को लगा था इट्स अ गिमिक लाइक कैसे होगा ये बट टू बी ऑनेस्ट जस्ट लुक एट दिस आई थिंक इट डज़ वर्क इन लाइक मिक्सिंग और ब्लेंडिंग द आई शेडो नॉट आई शेडो द क्रीम प्रोडक्ट एंड इट्स रियली गुड वन. आई थिंक इट्स अ रियल जेम इन माई कलेक्शन आई फील. सो उसके बाद मेरे पास दो मस्कारा है. सो दोनों ही इन मतलब अनफॉर्चुनेटली वॉशेबल फार्मूला में है. मेरे पास इसका वाटर प्रूफ वर्जन आता है. ये है L'Oreal का वॉल्यूम मिलियन लैशेस मस्कारा. इट्स अ गुड मतलब वॉल्यूमिनस मस्कारा नॉट वॉल्यूमिनस वॉल्यूमिनस इट डज मतलब मेरे आईज में इट्स सेपरेट माई लैशेज लाइक नोबडीज बिजनेस बट इट्स अ रियली गुड मस्कारा.
एंड अगेन इसका जो वाटर प्रूफ फार्मूला है आई हैव नो आइडिया अबाउट इट बिकॉज़ आई हैव नॉट ट्राइड इट. एंड ये वाला भी ये है कलर बार का जूम एंड ओश मस्कारा. इट डज गिव मी अ रियली रियली गुड वॉल्यूम. एंड इसका जो फार्मूला है इसका ये जो एप्लीकेटर है दो पार्ट में आता है. एक तो ये वाला मतलब एक ही ब्रश है जो कि इसका जो वो स्टॉपर होता है वो अलग अलग टिपिकल में है मतलब अलग अलग सेटिंग में है. तो ये वाला ऐसा आता है एंड उसका जो मैंने दिखाया वो सक्शन पूरा कर लेता है उसका जो स्टॉपर है. तो एकदम नेचुरल फिनिश के लिए भी हो सकता है एंड इफ़ यू वांट लाइक वावा वूम वूम वॉल्यूम देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ इट. बट अगेन इट्स वॉशेबल मतलब इफ़ यू अप्लाई दिस इन योर लोअर लैश लाइन एंड इफ़ यू स्वेट it will be a disaster. But the formula, but the volume that gives me, I really really like it to be honest. I wish it becomes waterproof, at least water resistant iska formula banaye to bahut acha hai color bar. But it's a really good one and I think dono ke dono hamesha offer mein rehte hain. But haan 500 ke upar hai but hamesha kuch na kuch offer mein rehta hi hai L'Oreal ya color bar. To ye ho gaya mere dono mascara. और मेरे पास एक मस्कारा है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है. प्राइसी है एंड हायर रेंट का है. बट अगर आपको कभी भी ये अच्छा प्राइस में मिले सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. सो दिस इज़ द नार्स क्लाइमैक्स मस्कारा. इसका जो वॉन्ड है वो मतलब जैसे लगता है ना मेरे आई शेप से भी बड़ा है. बट स्टिल आई रियली लाइक इट. इट डज गिव मी गुड सेपरेशन लेंथनिंग एंड वॉल्यूम. आई लाइक इट रियली लाइक इट. एंड अगर आपको कुछ अगर हाई एंड मस्कारा में रिकमेंडेशन चाहिए तो वो भी मैं बता देती हूँ. आपके पास अगर आपको कभी ऑफर में या गुड प्राइस में टार्ट का आई थिंक लाइट कैमरा एक्शन मस्कारा मिले जो पर्पल पैकेजिंग में आता है प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. उसका मिनी साइज ही लो. बड़ा वाला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. मिनी अगर अच्छे ऑफर में 700 या 600 में मिले प्लीज़ वो ले लो क्योंकि इट्स अ रियली गुड परचेज. मतलब मैंने शायद से दो ट्यूब ख़त्म किए थे उसके एंड आई रियली लाइक द टार्ट. मैंने इट डज गिव द वॉल्यूम एंड सेपरेशन एंड इट्स अ रियली गुड जॉब दैट्स ऑल. उसके बाद मेरे पास कुछ कलर्ड लाइनर्स हैं जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ. ये ऐसा कलर्ड लाइनर्स पे आते हैं. सो ये दोनों के दोनों जो शेड हैं वैसे इसका ब्रांड जो है वो अलग है. इट्स अ फैशन फैक्ट्री ब्रांड. बट अगर आपको ये मिस क्लियर में भी ऐसा सेम पैकेजिंग का मिल जाता है मतलब फार्मूला सबका अलग ही है. तो मैं आपको जस्ट कलर दिखा देती हूँ. ये एक वाइटिश नॉट सिल्वर ये एक वाइट ग्लिटर का है जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट देता है. बहुत ही अच्छा. एंड इसको आप लाइनर के हिसाब से भी पहन सकते हो या ओवरऑल आईज के ऊपर एक ऐसा जिस चमकीला एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. तो जस्ट गिव इट अ ट्राई. इट्स वेरी अफोर्डेबल. मतलब अगर आपको लोकल शॉप में मिल जाए तो ये आपको शायद से 150 या 125 रुपए में मिल जाएगा. सो सी दिस इज दैट वाइट वन एंड दिस इज़ अ गोल्ड वन. Very reflective, very good in terms of quality. I did not feel any kind of stinging whatsoever, but definitely these are not waterproof. So agar aap eye primer ke upar apply karte ho ya ek glitter glue ke upar apply karte ho to ye stay karega. Ya main thoda sa aise leke matlab aapko main dikha deti hu aisa smudge karenge to kaisa lagta hai ye. So see this is how the effects get. It's a really pretty color, this white one. I really like it. ऐसा number भी नहीं है इनके पास. They mention that it is waterproof, but it's not, to be honest. Trust me. But अगर आपको ये नहीं मिलता है आप मिस क्लियर का भी ले सकते हो. इसका same formula है और उनके भी बहुत सारे colors हैं. आपको कितने colors चाहिए? Matte blue, matte red, matte pink, shimmer blue, shimmer brown, golden bronze, येलो गोल्ड वाइट गोल्ड सिल्वर सारे कलर्स मिल जाएंगे. ग्रीन. सो या दैट्स इट. एंड उसके बाद मेरे पास और दो हैं बट आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन गेट इट एनीवेयर. बट मैंने एक तो नाइका से ख़रीदा था और एक
अमेजोन से मे भी। सो मैं ये बात कर रही हूँ कलर बार का मैजिकल डबल ड्यूटी आई लाइनर शेडो, जो कि ऐसा एक ऐसा पैकेजिंग में आता है और इसके साथ एक ऐसा ब्रश आता है, इट्स अ सिंथेटिक ब्रश। सो मेरे पास है दो कलर्स, एक है ब्लू एक है गोल्डन। सो लेट मी शो यू, ये दोनों एक गोल्डन और ये है ब्लू। सो लेट मी गिव यू अ स्वॉच। सो ये देखिए मेरा दो गोल्डन, ये तो एक गोल्डन है, ये गोल्डन दोनों के दोनों सेम ही लगते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक दिस लुक्स अ लिटिल बिट मोर ब्राइटर एंड दिस इज द ब्लू वन। जस्ट लुक एट द रिफ्लेक्शन, जस्ट लुक एट द रिफ्लेक्शन। सो मैं अभी आपको ये स्मज करके दिखाऊंगी। तो इन्होंने कहा भी है कि यू कैन स्मज इट टू मेक इट मोर लाइक क्या बोलता है, आई शेडो के हिसाब से भी कर सकते हो। सो ये ब्लू वाला ऐसा दिखेगा एंड आपको मैं गोल्डन वाला दिखाती हूँ। दोनों का नाम है मैजिकल गोल्ड एंड मैजिकल ब्लू एंड ये गोल्डन वाला, सॉरी वो ब्लू थोड़ा मिक्स हो गया बट या यू कैन सी इट। सो इसका जो गोल्डन वाला है इसका पिगमेंटेशन मतलब क्या बोलते हैं ना, थोड़ा ट्रांसलूसेंट किस्म का है। सो इट विल गिव यू द मोर द गोल्ड ग्लिटर्स, बट ये ब्लू में क्या है, इसका पिगमेंटेशन ब्लू का तो है ही है, उसके बाद सिल्वर ग्लिटर्स है। आई थिंक सिल्वर और ब्लू दोनों हैं, सो दैट्स वाई देयर इज अ पिगमेंटेशन डिफरेंस। एंड अगर इनका और दो शेड्स आते हैं, एक है ब्लैक जिसके ऊपर अगेन सिल्वर का स्पार्कल है एंड एक है पिंक कलर का। मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था तो मैंने उसको नहीं खरीदा था। अगेन दीज आर लाइक बहुत एक्सपेंसिव था, कुछ 600 के ऊपर ही था, बट आई एम नॉट गोना बाय अगेन दैट मच ऑफ प्राइस। सो मैंने आई थिंक 350 या 425 समथिंग प्राइस पे किया था, सो गुड डील। सो ये दोनों तो हो गए मेरे कलर बार के लाइनर्स कंप्लीट। अभी मैं दो टूल्स दिखाने वाली हूँ आपको। सो दो टूल्स है, एक तो ये डोम्स का या कैमलिन का कुछ भी ले लो, जो 00 या 000 का जो ब्रश आता है ऐसा प्लीज़ ले लो, नहीं तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो नील आर्ट के लिए जो ब्रश नहीं आता है अमेजोन में 150 रुपये में इतने सारे बंडल समेत टूल्स डॉटिंग टूल्स वगैरह, उसमें भी जो ब्रश होता है ना यू कैन ईजीली अप्लाई लाइनर्स विद दोज। हाँ ऑफकोर्स लिक्विड लाइनर्स, जेल लाइनर्स के लिए आई विल से ये शॉर्ट वाले ब्रश ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। एंड और एक जो स्मजर ब्रश मैं कहूँगी, अगर यू मीन्स मैं आपको आई शेडो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, वो अलग से एक वीडियो होगा, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो एनी वे, सो दिस ब्रश इज़ फॉर स्मजिंग योर काजल और इवन योर लोअर लैश लाइन और योर अपर कॉर्नर लैश लाइन। सो ये वेगा का एक ब्रश है, नाम है क्या कुछ, हाँ वेगा आई ब्रश, दैट्स इट। सो वेगा आई ब्रश, आई थिंक अगेन इट कॉस्ट अराउंड 40 या 60 रुपीज़। मैंने दोनों की दोनों लोकल शॉप में लिया था, ये 60-40 रुपीज़ में आता था विद इन दैट रेंज, एंड ये 10 या 15 रुपये का लिया था। 10 या 15 आई थिंक सो, मैक्स टू मैक्स आई थिंक 20 to 30 में था, 10 से लेके 30 का रेंज में पकड़ लिया, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। सो कैमलिन का भी सेम आता है, वो भी आपको 15-20 रुपये में मिल जाएंगे, सो definitely give it a try. So anyway, these are all my eye liners, kajal, kohls and all these are the my recommendation which are really good, tried and tested, and I obviously recommend you to give it a try. Again kitna baar try bolne wali hu main, give it a try in this festive season, and also just let me know how do you like it, okay? So anyway, so this is the video, I'm gonna end it right now. Stay safe, have an amazing festivities, until then, bye bye.